नेक्स्ट डेस्टिनेशन गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में भी अभी इजराइल का इंटरव्यू चालू हो गया है। बहुत ही अच्छी खबर है, जो भी बंदा गुजरात से इंटरव्यू देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा, क्या क्या ट्रेड में वैकेंसीज आया है, इंटरव्यू का डेट कब है, कहाँ से आप इंटरव्यू दे सकते हो, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ राजस्थान में भी दोबारा इंटरव्यू होने वाला है, उसका भी मैं जो वैकेंसीज है उसके बारे में बताऊंगा, किस दिन वैकेंसीज है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारा बंदा मेरा वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो कभी कभी तुक्के में उसके सामने मेरा वीडियो आ जाता है तो तब कमेंट करके पूछता है, भाई इंटरव्यू कहाँ पे है। आप जब पूछते हो तब इंटरव्यू निकल जाता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए। आपके पास अगर इजराइल रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, मुझे मैसेज करके भी दे सकते हो, फेसबुक पे भी दे सकते हो। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए मैं करने बोलता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, नहीं तो इंटरव्यू हो जाने के बाद आप मैसेज करते हो तो तब ना आपका काम का आता है ना मेरा जवाब देने का मन करता है। सो इस वीडियो को शुरुआत करेंगे तो मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट द्वारा जो वैकेंसीज फिलअप हो रहा है इसराइल के लिए, राजस्थान में एक बार हो चुका है, लखनऊ में एक बार हो चुका है, हरियाणा में एक बार हो चुका है, हरियाणा में फिर से हो रहा है, लखनऊ में भी होने वाला है। अभी जो वैकेंसीज है मैं गुजरात और राजस्थान के लिए बताऊंगा, क्योंकि गुजरात और राजस्थान का जो डेट है सामने आया है। दोस्तों मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जब भी आता है मैं तब भी वीडियो बनाता हूँ। अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के बिना मैं वीडियो नहीं बनाता, तब आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, आप सबके लिए मैं वीडियो बना के सबको बता दूंगा। तो बिना लेट के इस वीडियो में बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसराइल के लिए जो वैकेंसीज चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, बहुत सिटी में चल रहा है, बहुत स्टेट में चल रहा है, प्राइवेट द्वारा जो ऑफिस है वहाँ से भी इंटरव्यू हो रहा है। दिल्ली में जो इंटरव्यू हुआ था वहाँ से दोबारा फ्लाइट हो चुका है, फर्स्ट फ्लाइट कुछ बंदा का हुआ है, सेकेंड फ्लाइट भी कुछ बंदे का हो चुका है। मुंबई में बहुत सारा प्राइवेट ऑफिस इसराइल के लिए काम कर रहा है, जैसे एशिया पावर है, डायनामिक ऑफिस दिल्ली है, मुंबई में अम्बे इंटरनेशनल है, सियागुल इंटरनेशनल है, ऐसे कुछ प्राइवेट ऑफिस जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है वो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट द्वारा जो चयन हो रहा है वो फ्री में हो रहा है, आप जानते होंगे, हरियाणा में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, अभी गुजरात में भी शुरू हुआ है। सो मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो वैकेंसीज है वो गुजरात के लिए है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में इजराइल के लिए वैकेंसीज आया है, जहाँ पे चार कैटेगरी का वैकेंसीज है, मेसन, ब्लैक एंड पास्टर मेसन, टाइल्स मेसन, कारपेंटर, शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर। सो इन जो कैटेगरी है, इन कैटेगरी के लिए आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। गुजरात की बड़ौदा में इंटरव्यू चलेगा 22/2/2024 में, इसका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 22/2/2024 में बड़ौदा के गुजरात में इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। आप जो आपका स्टेट है गुजरात में, वहाँ का एएलसी में जाके आप पता कर सकते हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं कि नहीं, क्या क्या चाहिए, आप वहाँ पे हर चीज़ जान के आप अपना रजिस्ट्रेशन करके इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, आप इंटरव्यू जब भी अटेंड करने जाते हो आपके पास पासपोर्ट रहना मैंडेटरी है। पासपोर्ट का वैलिडिटी 2 साल 6 मंथ, 3 साल भी कोई कोई मांग रहा है, मिनिमम 2.5 साल के ऊपर होना चाहिए आपका पासपोर्ट वैलिडिटी। उसके साथ आप अपना आधार कार्ड लेके जाइए, अगर आप मैरिड है तो आप अपना वाइफ का भी आधार कार्ड लेके जाइए, नहीं तो अपना मम्मी पापा का आधार कार्ड लेके जाइए इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। या दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपको इंटरव्यू अटेंड करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो गुजरात के लिए 22 तारीख को इंटरव्यू है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे बड़ौदा में इंटरव्यू है, आप यहाँ पे इंटरव्यू देके आप जा सकते हो इजराइल। अभी मैं आपको बता दूँ, राजस्थान, राजस्थान में एक बार इंटरव्यू हो चुका है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट अभी आ जाएगा सामने। अभी दोबारा इसका इंटरव्यू हो रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन चालू है, इसका जो इंटरव्यू है 2021-22, मतलब 20, 21, 22 फरवरी 2024 को राजस्थान सिकर में इंटरव्यू होगा, जहां पे टाइल्स मेसन, ब्लैक मेसन, प्लास्टर मेसन, स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, इन 5 कैटेगरी का वैकेंसीज है। जी हाँ दोस्तों, इन 5 कैटेगरी में
आप इंटरव्यू देके आप जा सकते हो। आपका एज जो है 25 से 45 साल के अंदर होना चाहिए, पासपोर्ट का वैलिडिटी 2.5 साल के ऊपर होना चाहिए, आपका आधार कार्ड ओरिजिनल रहना चाहिए, पासपोर्ट रहना चाहिए, उसके साथ साथ अगर आप मैरिड हो तो वाइफ का आधार कार्ड, अगर अनमैरिड हो अपना मम्मी पापा का आधार कार्ड लेके आप रजिस्ट्रेशन करके इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू होने के बाद आपका अगर सिलेक्शन होते है उसके बाद आपको कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा, या फिर आप ALC में जाके पता कर सकते हो आपका रिजल्ट के बारे में। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और PCC होगा, आप इजराइल पहुंच जाओगे। आप जानते होंगे इजराइल आप पहुंचते हो तो इन चार कैटेगरी में आप जो सैलरी इनकम करोगे वो है 1,37,200 रुपीज़। उसके बाद ओवर टाइम में अभी आप 50 लाख कमा सकते हो, तो मैं आप हर महीना 1.5 लाख आराम से सेविंग्स कर लोगे। आप 5 साल वहाँ पे रहोगे तो अपना लाभ अपना लाइफ बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में छोटी सी जानकारी थी, ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ जानकारी चाहिए कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा।